हाय मदन चलके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दी के मौसम में आपका मंडे से लेकर संडे तक का सुबह के नाश्ते का रूटीन क्या होना चाहिए, प्रेगनेंसी में जो भी आप कुछ खा रही हैं उसी का रस आपके बच्चे को मिल रहा है। तो सर्दियों के मौसम में काफी लंबी रातें रहती हैं और इतने लंबे गैप के बाद हम जो सुबह का नाश्ता करते हैं वो आपका बिल्कुल हेल्दी, पौष्टिक और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए ताकि आप खुद भी एक्टिव फील कर सके, एनर्जेटिक रहें, तरोताजा रहें और आपके बच्चे का विकास है, डेवलपमेंट है वो भी काफी अच्छे से हो सके। और ज्यादातर लेडीज क्या करती हैं कि पहले फैमिली मेंबर को खाना खिलाते हैं, घर का और कुछ काम करने लग जाते हैं और ऐसे में हम अपना नाश्ता है वो स्किप कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, नाश्ता प्रेगनेंसी में जरूर करना चाहिए। माना कि आपकी फैमिली के प्रति आपकी जिम्मेवारी है लेकिन उससे भी पहले आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आपके पेट में पल रहे बच्चे के लिए है, क्योंकि आपका बच्चा टोटली 100% अभी आपके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले आप अपना नाश्ता कीजिए, फिर अपने घर के कामों की शुरुआत कीजिए। तो अपने नाश्ते में भी आप वैरायटी चेंज करते रहिए ताकि आपके बच्चे को हर प्रकार का न्यूट्रिशन, हर प्रकार के विटामिन, हर प्रकार के मिनरल्स आपके बच्चे को मिल सके। तो आइए जानते हैं कि आपके सुबह के नाश्ते में क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंडे का। तो मंडे को आप ले सकते हैं मिल्क विद ड्राई फ्रूट्स। तो आप जानते हैं कि दूध में कैल्शियम काफी पाए जाते हैं और सुबह सुबह जो दूध लेते हैं तो उसका कैल्शियम जो है हमारी बॉडी काफी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी आपको ज्यादा फायदा मिलता है सुबह के टाइम दूध का सेवन करने से। और रात के टाइम आपको दूध डेफिनेटली लेना ही लेना है, एक गिलास है। और उसके साथ ही आपने रात को भिगोए हुए 5-7 बादाम और 10-12 किशमिश जो है आपने दूध के साथ लेने हैं। आप दूध में मिलाकर खा सकते हैं या फिर ऐसे आप खा सकते हैं, क्योंकि बादाम और जो किशमिश है उनमें आयरन काफी पाया जाता है। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी डेली बादाम और किशमिश खाती हैं तो आपकी जो है प्रेगनेंसी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, आपका खून जो है प्रचुर मात्रा में बनेगा। और ये आप सभी जानते हैं कि बादाम से जो है बच्चे का दिमागी विकास है वो भी काफी अच्छा रहता है। इसके साथ ही आप सर्दी के मौसम में आप जो सुबह सुबह 3-4 खजूर खा सकते हैं। खजूर खाने से आपके बच्चे में जो जन्मजात दोष है, बाई बर्थ कुछ बच्चों में डिफेक्ट हो जाते हैं, वो आपके बच्चे में डिफेक्ट नहीं होंगे, आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो काफी अच्छे से होगा। मंगलवार को आप खा सकते हैं बेसन के चीले। बेसन में काफी अच्छा प्रोटीन रहता है और फोलेट पाया जाता है जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी के लिए, बच्चे के दिमाग के लिए और ऑल ओवर ग्रोथ के लिए काफी अच्छा रहता है। इसको और ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए आप इसमें हरी सब्जियां जैसे टमाटर, प्याज और मटर, गाजर ये सब डाल सकते हैं ताकि और ज्यादा ही पौष्टिक हो सके। बुधवार को आप खा सकते हैं एग। तो एग में जो है काफी प्रोटीन पाया जाता है और जो गर्भवती महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान जो है अंडे का सेवन करती हैं तो उस बच्चे का जो याददाश्त रहने की क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी काफी अच्छा रहता है। तो आप जो है बॉयल्ड एग खा सकती हैं या फिर ऑमलेट बनाकर भी खा सकती हैं, वो आपकी च्वाइस है कि किस रूप में आपको एग पसंद है। जो लोग एग का सेवन नहीं करते हैं वो जैसे ये मक्के के दाने होते हैं उनको भाप देकर वो खा सकते हैं, उनमें चाट मसाला सॉस वगैरह जो भी आपको पसंद है उस रूप में खा सकती हैं। और मक्के में जो है विटामिन B6 पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है जो आपके बच्चे के विकास के लिए काफी जरूरी रहता है। नेक्स्ट डे आप खा सकती हैं मिश्रित मेवे और बीज। ये तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए खजाना है, ये आपको पूरी प्रेगनेंसी जो एक मुट्ठी या फिर दो मुट्ठी आपको डेली खाना ही खाना चाहिए। इनमें आप कद्दू के बीज हो गए, आप बादाम, किशमिश, काजू, अखरोट, पिस्ता, जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आपको खाने चाहिए। शुक्रवार फ्राइडे को आप खा सकती हैं ओट्स। तो ओट्स में काफी कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज और जरूरी विटामिन्स पाए जाते हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए काफी जरूरी रहते हैं। अगर आपको दूध वाले ओट्स या फिर दलिया पसंद है तो आप उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए ताकि और हेल्दी हो सके। अगर आपको नमकीन ओट्स या फिर दलिया पसंद है तो उसमें आप हरी सब्जियां जैसे गाजर, मटर, टमाटर वो सब डाल दीजिए ताकि और ज्यादा आपको पोषक तत्व मिल सके, आपकी बच्चे को और ज्यादा न्यूट्रिशन मिल सके।
शनिवार शनिवार को आप खा सकते हैं अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज अगर आप कच्चे भी खाते हैं तो भी अच्छा रहता है, अदरवाइज उनको बॉईल करके उनमें खीरा टमाटर प्याज जो भी आपको पसंद है वो डाल के खाइए तो और ज्यादा आपके लिए पौष्टिक बन जाएगा। अंकुरित अनाज में काफी फाइबर आयरन पाया जाता है तो आपको खून की कमी भी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होगी। अब बात करते हैं संडे को, संडे को आप जो है पोहा बनाकर खा सकते हैं। पोहे में भी काफी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं तो इसमें भी आप जो भी हरी सब्जियां यूज करना चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। इसमें मूंगफली टमाटर प्याज गाजर जो भी हरी सब्जियां डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं ताकि और ज्यादा आपके लिए हेल्दी हो सके। तो ये मैंने आपको पूरे वीक का रूटीन बताया है। आपका प्रेगनेंसी के दौरान रूटीन क्या है वो कमेंट करके जरूर लिखिए ताकि प्रेगनेंसी के दौरान एक दूसरे की आप हेल्प कर सकें। क्या पता आपके कमेंट को देखकर आपके रूटीन को देखकर किसी और प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प मिल जाए। मैंने तो अपना रूटीन बताया ही है, इसके साथ ही अपना भी आप आपस में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर